सबसे पहली चीज, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता था? तो हमने ये चीज लास्ट क्लास में डिस्कस जरूर किया था बेटा कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स मींस सब्सक्राइब शेयर्स इज लेस देन और ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इश्यूड शेयर्स। ठीक है, हमने ये चीज समझा था। अब देखो पॉइंट ये आता है कि जब शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं बेटा, ठीक है, यानी जब पब्लिक ओवर सब्सक्राइब्ड यानी ज्यादा सब्सक्राइब कर लेती है, सो उसके तीन ट्रीटमेंट निकल के आते हैं। जितने एक्सेस शेयर्स हमारे पास है उनके तीन ट्रीटमेंट निकल के आते हैं। पहला ट्रीटमेंट है रिजेक्ट द एक्सेस शेयर्स, दूसरा ट्रीटमेंट है एडजस्ट द एक्सेस शेयर्स इन द नेक्स्ट कॉल, और तीसरा होता है बेटा पार्शियली रिजेक्ट एंड पार्शियली एडजस्ट द एक्सेस शेयर्स इन द नेक्स्ट कॉल। अब आपको इन तीनों में से कौन सा एडजस्टमेंट करना होता है वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है, आप सिंपली एडजस्ट कर दोगे। एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर मान लो क्वेश्चन में ये चीज मेंशन है कि पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं 1,20,000 शेयर्स और कंपनी ने इश्यू किए थे 1,00,000 शेयर्स, तो यानी कितने एक्स्ट्रा शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं? 20,000। तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि हमने रिजेक्ट नहीं किया है, तब तक आप हमेशा ये मानोगे कि अगर रिजेक्ट के बारे में, रिफंड के बारे में जब तक नहीं बोला है, तब तक इसका मतलब क्या है, हमारी तरफ से एक assumption रहेगी कि हम उन एक्स्ट्रा शेयर्स को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कई बार बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि सर एक बात बताइए, पब्लिक ने एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया तो कंपनी उसे एडजस्ट कैसे कर सकती है? तो उसका एक तरीका होता है, वो समझना बेटा। पॉइंट इज कि हम पब्लिक से, यानी अगर मैं कंपनी हूं और आप सारे जनरल पब्लिक हो, तो क्या मैं पब्लिक से सारा का सारा अमाउंट एक ही बार में लेता हूं या डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स पे लेता हूं? पहला जवाब आप लोग ये दे। सो मतलब ये होता है बेटा कि मैंने 1,00,000 शेयर, जैसे मान लो मैंने 1,00,000 शेयर इश्यू किए थे, ठीक है, और एक शेयर लेट से 10 रुपीज का था, मैंने बोला एप्लीकेशन पे मैं आपसे 2 रुपए मांग रहा हूं, अलॉटमेंट पे मैं आपसे 3 रुपए मांग रहा हूं, फर्स्ट कॉल पे लेट सपोज मैं आपसे 4 रुपए मांग रहा हूं, और फाइनल कॉल पे कितने रुपए बच गए, 1 रुपीज मांग रहा हूं। तो मैं मतलब आप लोग मुझे अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं 1,20,000 शेयर, तो बेटा पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किए, पब्लिक ने पूरा 10 रुपए नहीं दिया अभी। पब्लिक जब सब्सक्राइब करती है तो एडवांस अमाउंट के तौर पे कौन सी कॉल पे करती है? तो बेटा इसका मतलब ये है कि आपने मुझे जो 20,000 एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है वो एप्लीकेशन कॉल पे ज्यादा अमाउंट दे दिया था। मतलब मैंने एप्लीकेशन कॉल पे 1,00,000 शेयर पे 2 रुपए मांगे थे, बट आपने मुझे एप्लीकेशन शेयर पे बुकिंग अमाउंट 1,20,000 शेयर पे 2 रुपए दे दिया है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे पास आया होगा मैं उसे एडजस्ट करूंगा नेक्स्ट कॉल, एंड बेटा जी एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट कॉल कौन सी होती है? अलॉटमेंट कॉल। पहले बताओ ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को कि एडजस्ट कैसे किया जाता है? राइट, मतलब 2 रुपए वाला पॉइंट ये होता है बेटा कि जितना एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया है ना मेरे पास, उसे मैं एडजस्ट करूंगा फिर नेक्स्ट कॉल में अलॉटमेंट पे, यानी मैं अलॉटमेंट में फिर आपसे उतने पैसे कम लूंगा जितना आपने मेरे को एक्स्ट्रा ऑलरेडी दे रखा है। बात समझे? अब इस चीज को समझने के लिए ना हम डायरेक्ट कंपनी के एग्जाम्पल पे नहीं आएंगे, पहले मैं आप लोग को एकदम बेसिक सा एग्जाम्पल देता हूँ जिसको आप लोग बहुत आराम से रिलेट करोगे। ठीक है, सो एग्जाम्पल वही होगा बेटा जो लास्ट क्लास में हल्का सा हमने गो थ्रू किया था, उसी एग्जाम्पल को समझते हैं। भाई मैं आपका टीचर, तो सपोज कर लो मैं हो गया बेटा कंपनी, आप सारे मेरे स्टूडेंट्स हो, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स को मैं बना देता हूं बेटा लेट से जनरल पब्लिक। ठीक है, हालांकि फीस हमारी कम है बट एक एग्जाम्पल के तौर पर रखते हैं सो दैट वो एग्जाम्पल रिलेट कर सके। मान लो बेटा मैं आपसे अगस्त नहीं, अभी क्या चल रहा है, सेप्टेम्बर चल रहा, राइट, मैंने आप लोगों से बेटा सितंबर के मंथ में फीस आप लोग से मतलब मांगी 1,500 रुपीज। तो बेटा अगर कंपनी पैसा मांगती है तो बेसिकली कंपनी पैसा कैसे मांगती है? इश्यू करके, ठीक है, शेयर्स को इश्यू करके आपसे पैसा मांगती है। तो मैंने आप लोगों से लेट सपोज बोला कि आप लोगों को 1,500 रुपीज सेप्टेम्बर मंथ की फीस पे करनी है। चलो सपोज करो हम यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं लेट सपोज खुशी का, क्योंकि सबसे कम यही बोलती है ना।
मान लो खुशी ने मेरे को फीस तो पे किया, लेकिन फीस कितने रुपीस दे दिया मेरे को अभी? ₹2,000 का नोट दे दिया, ठीक है? मैंने मांगा था 1500, बट खुशी ने मुझे ₹2,000 का नोट दे दिया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा कि खुशी ने मुझे ज्यादा एक्सेस अमाउंट दिया, यानी ओवर सब्सक्राइब किया है? ओके, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट दिया बेटा उसने मुझे? ओके, अब मेरे पास ना इस 500 एक्स्ट्रा अमाउंट के तीन ट्रीटमेंट निकल के आ सकते हैं। पहला ऑप्शन, मैं सीधे सीधे इसको क्या कर दूंगा, रिजेक्ट। इन द सेंस इधर हम उसे रिजेक्ट बोल सकते हैं, रिफंड बोल सकते हैं, या फिर और क्या बोल सकते हैं बेटा, निल बोल सकते हैं। मतलब मैंने इसको बोला, मैंने कहा बेटा जी आपकी 1500 की फीस होती है, आपने मेरे को 2000 दिए, ये लो बेटा आपका एक्स्ट्रा अमाउंट, मैंने आपको रिफंड कर दिया। पहला पॉइंट समझ में आया? ओके, दूसरा पॉइंट बेटा यहां पर, ठीक है, पहला पॉइंट तो मैंने रिफंड कर दिया। दूसरा पॉइंट बच्चे, मान लो मेरे पास अभी जो है मतलब चेंज अमाउंट है नहीं, ठीक है? तो मैंने इससे बोला कि बेटा अभी ना चेंज अमाउंट नहीं है, क्या मैं आपके 500 रुपीस को नेक्स्ट मंथ की फीस में एडजस्ट कर लूं? पॉसिबल सिचुएशन है ये? ओके, सो मैंने क्या किया बेटा, एडजस्ट कर लिया, ठीक है? अब एक बात बताओ, पर मंथ इसको फीस पे करनी है 1500 रुपीस, तो जब मैं नेक्स्ट मंथ में इससे 1500 रुपीस डिमांड करूंगा यानी इश्यू करूंगा, तो ये मुझे टोटल कितना अमाउंट देगी? सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीस, क्योंकि ऑलरेडी इसके 500 रुपीस मेरे पास पहले से थे, जिसको मैंने अक्टूबर की फीस में एडजस्ट कर लिया, यानी नेक्स्ट मंथ की फीस में एडजस्ट कर लिया। पॉइंट समझ में आया एवरीवन? नहीं नहीं नहीं, कंपनी उसके लिए एक अलग से एडजस्टमेंट अकाउंट बनाती है, पर्सनल अकाउंट कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है? सो सिमिलरली ये था कि लेट से सितंबर हमारी एप्लीकेशन कॉल थी, ठीक है? तो मैंने बोला कि नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करूंगा, मतलब अक्टूबर मेरी कौन सी कॉल हो जाएगी? अलॉटमेंट कॉल हो जाएगी। एंड थर्ड ऑप्शन होता है बेटा पार्शियली एडजस्ट करने का एंड पार्शियली रिजेक्ट करने का, ठीक है? अब जरा इस पॉइंट को समझना बेटा, पार्शियली एडजस्ट एंड पार्शियली रिजेक्ट का मतलब क्या होता है। मान लो मैंने अपना वॉलेट चेक किया, मेरे पास ना 200 रुपीस का नोट अवेलेबल था, मैंने बोला बेटा कि 200 रुपए मैं आपको वापस कर रहा हूँ, आपने मुझे 500 रुपीस एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है, मैं आपको 200 रुपीस रिटर्न कर रहा हूँ, एंड बचे हुए 300 रुपीस अमाउंट को क्या कर लूंगा, बचे हुए 300 रुपीस को मैं क्या कर लूंगा, राइट, एडजस्ट कर लूंगा, है ना? तो इसका मतलब ये बेटा कि अब अगर मुझे खुशी अक्टूबर के मंथ में फीस पे करेगी, तो मैं जब उससे 1500 मांगूंगा तो वो एक्चुअल में मुझे कितना अमाउंट पे करेगी, 1200 रुपीस। पहले बताओ बात समझ में आ गई सब बच्चों को यहां तक? एंड दिस होल प्रोसेस बेटा, चाहे रिफंड का केस हो, चाहे एडजस्ट का केस हो, चाहे पार्शियली एडजस्ट एंड पार्शियली रिजेक्ट का केस हो, द होल कॉन्सेप्ट विल बी नोन एज प्रो रेटा अलॉटमेंट। अब बताओ सारे बच्चे क्लियर? ठीक, ओके। अब हम समझते हैं बेटा, सबसे पहले जरा ट्रीटमेंट देखना जरा ओवर सब्सक्रिप्शन की। मेन चीज आपको यहीं पर ध्यान रखना होगा, हमने जब फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ा था बेटा, तो हमने ये देखा था कि फुल सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन दोनों के केस में बेटा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल, यानी चारों की चारों कॉल को हम हमेशा कौन से शेयर से मल्टीप्लाई करते थे? बट अब यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन कॉल को तो हम कौन से शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, बट बाकी जो अदर कॉल्स हैं यानी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, बेटा इन तीनों कॉल्स को हम हमेशा कौन से शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इश्यूड शेयर से। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी बेटा, ठीक है? क्योंकि देखो अब इसका रीजन ये, इसका पीछे पीछे का लॉजिक ये बेटा
कि सिंस पब्लिक ने जब मेरे को बुकिंग अमाउंट भेजा होगा तो ओवर सब्सक्राइब मतलब टोटल सब्सक्राइब शेयर्स पे भेजा होगा, लेकिन बेटा उनके शेयर्स को एडजस्ट करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने कितने शेयर इश्यू किए थे। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन एक ऐसा केस होता है बेटा जहां पर एप्लीकेशन कॉल को हम कौन से शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्सक्राइब शेयर से, एंड बाकी अदर अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को कौन से शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, इश्यूड से। लेकिन अगर हम फुल सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करते थे तो सारी की सारी कॉल्स को हम हमेशा कौन से शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्सक्राइब शेयर। क्या सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? सारे ओके अब हमें यह समझना होगा बेटा, मैंने आप लोग को तीन तरीके बताए ठीक है ट्रीटमेंट के, कि पहला रिजेक्ट कर सकते हैं, दूसरा बेटा एडजस्ट कर सकते हैं, तीसरा पार्शियली एडजस्ट एंड पार्शियली रिजेक्ट। तो हमें ना उसकी जर्नल एंट्री कैसे यानी उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी होती है वो समझना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं ठीक है। मान लो बेटा कंपनी इशूड लेट से 50,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, और बेटा हम 10 रुपए कैसे मांगेंगे, लेट से एप्लीकेशन 2 रुपीज, अलॉटमेंट लेट से 4 रुपीज, फर्स्ट कॉल लेट से 3 रुपीज एंड बेटा फाइनल कॉल लेट से 1 रुपीज। ओके पब्लिक subscribed for 65,000 shares. Okay. अब बेटा आपको तीन केसेस में दे रहा हूं ए बी सी ठीक है। केस नंबर ए refund the excess shares, केस नंबर टू adjust the excess shares एंड बेटा लास्ट केस रिफंड 5,000 शेयर्स एंड एडजस्ट द रिमेनिंग एक्सेस शेयर्स ठीक है। शुरू करते हैं बेटा, सारे बच्चे रेडी हैं? ओके अब देखो इसको करने का ट्रीटमेंट यानी इसको करने का तरीका क्या होता है, मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूं बेटा। सबसे पहले ना ऐसे क्या करो, आप लिखेंगे यहां पर सब्सक्राइब शेयर्स, फिर ऑफ कोर्स ओवर सब्सक्रिप्शन है तो दैट मींस सब्सक्राइब शेयर इज ग्रेटर देन इश्यूड शेयर। तो बेटा जी सब्सक्राइब कितने शेयर, ओके एंड बेटा जी इश्यूड शेयर हाउ मच, ओके How much excess shares? 15,000. Okay. अब हम आते हैं बेटा जरा केस नंबर वन, और यहां पर आप ऐसे कर लो मेंशन कर लो एप्लीकेशन हमारी 2 रुपीज, अलॉटमेंट हमारी 4 रुपीज, फर्स्ट कॉल हमारी 3 रुपीज एंड लास्ट यानी सेकेंड और फाइनल कॉल है हमारी 1 रुपीज ठीक है। चलो सबसे पहले जरा एप्लीकेशन की जनरल एंट्री बोले आप लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, परफेक्ट ओके। एंड मैंने अभी भी आप लोगों को बताया बेटा इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन कॉल को कौन से शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्सक्राइब शेयर। बेटा कंपनी ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए, ओके एंड एप्लीकेशन कॉल की वैल्यू कितनी है 2 रुपीज, तो बेटा 1,30,000 रुपीज पब्लिक से हमें पैसा रिसीव हो गया। यहां तक सारे बच्चे क्लियर? ओके नेक्स्ट। अब अच्छा नेक्स्ट पहले जब कंपनी शेयर्स को अलॉट करती है जरा जनरल एंट्री बोलो, ओके शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट अब ध्यान से समझे बेटा, हम केस नंबर वन में एक्सेस शेयर्स को क्या कर रहे थे, रिफंड कर रहे हैं। सो दैट मींस बेटा जब हमने पब्लिक से पैसा लिया सो मनी कम्स इन यानी व्हाट कम्स इन डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट होता था, और जब हम पब्लिक के शेयर को वापस कर रहे हैं तो मनी गोज आउट एंड बेटा व्हाट गोज आउट, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट।
सो वी विल मेंशन टू बैंक अकाउंट. पहले बता बात समझ में आई जर्नल एंट्री, बोलो गौतम जल्दी से. अरे अरे अमाउंट बता रहा हूं, पहले जर्नल एंट्री समझ में आया एवरीवन? अच्छा अब ध्यान से सुनना बेटा, अमाउंट की पोस्टिंग कैसे करनी है. बेटा हमें एप्लीकेशन पे पब्लिक से कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन रुपीस मिला? ओके अब एक चीज ध्यान रखना, ये चीज ना आपको अगेन हमेशा याद रखनी होगी. शेयर कैपिटल में बेटा कंपनी हमेशा कौन से शेयर्स की वैल्यू रखती है? शेयर कैपिटल में हमेशा कंपनी कौन से शेयर्स की वैल्यू रखेगी? इश्यूड शेयर. बेटा कंपनी ने कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी मांगा था? 50,000. एंड कंपनी के पास एक्स्ट्रा कितने शेयर्स आए थे? ओके एंड कंपनी उनको क्या कर रही है बेटा? पब्लिक को रिफंड कर रही है. क्या अमाउंट की पोस्टिंग सारे बच्चों को समझ में आ गई? पहले बताओ सारे बच्चों को समझ में आई? ठीक ओके. एंड बेटा फिर नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज एज इट इज हो जाएंगी जैसे हम करते थे. बस फर्क ये रहेगा कि अब हम जब नेक्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे, चलो मैं एक बार करके बता ही देता हूं. सो बेटा जल्दी से जरा अलॉटमेंट की जर्नल एंट्रीज बोले आप लोग. शेयर अलॉटमेंट यानी ड्यू कॉल की एंट्री करेंगे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. एंड बेटा जब हम पब्लिक से पैसा रिसीव करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. तो बेटा अब एक चीज बताओ, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एप्लीकेशन कॉल तो सब्सक्राइब शेयर, लेकिन बाकी अदर कॉल्स इश्यूड शेयर. एंड बेटा इश्यूड कितने शेयर्स थे? 50,000. एंड अलॉटमेंट की वैल्यू 4 रुपीज. सो 2 लाख रुपीज अमाउंट आ जाएगा बेटा दोनों जर्नल एंट्रीज में. सारे बच्चों को पोस्टिंग क्लियर हो गई? राइट करेक्ट करेक्ट करेक्ट. पहले बताओ केस नंबर 1 यानी रिजेक्ट द एक्सेस शेयर, सब बच्चों को क्लियर है? अब हम बात करते हैं बेटा एडजस्ट द एक्सेस शेयर. यहां पे अब आप लोग को थोड़ा सा फोकस करना होगा, इसलिए बहुत ध्यान से फोकस करना बेटा, ठीक है? ओके सो एडजस्ट द एक्सेस शेयर में हम क्या करेंगे? केस नंबर 2 यहां लिखता हूं मैं. केस नंबर 2 ओके. सबसे पहले तो बैंक की एंट्री मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. सब्सक्राइब शेयर हाउ मच? 65,000 शेयर्स. एप्लीकेशन 2 रुपीज यानी पब्लिक से हमें पैसा रिसीव हो गया बेटा 1,30,000. क्लियर एवरीवन? ओके जरा नेक्स्ट एंट्री बोलो एप्लीकेशन की. ओके अब ध्यान से समझना बेटा, यहां पहले हम एक्सेस शेयर्स को रिजेक्ट कर रहे थे तो हमने मनी वापस किया तो टू बैंक अकाउंट. अभी हम एक्सेस शेयर्स को एडजस्ट कर रहे हैं. एंड बेटा अगर हम एक्सेस शेयर्स को एडजस्ट कर रहे हैं तो कौन सी नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. पहले बताओ जर्नल एंट्री समझ में आई एवरीवन? मेन चीज यहां पर होगा बेटा अमाउंट की पोस्टिंग, जहां पर कई दफा बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं. ओके सबसे पहली चीज बेटा, एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुआ था 65,000 शेयर्स पे. अभी हमने एक चीज समझा है, शेयर कैपिटल में हम जब भी बेटा वैल्यू पोस्ट करेंगे तो इश्यूड शेयर से या सब्सक्राइब शेयर से? इश्यूड शेयर. सो इश्यूड शेयर इज 50,000 शेयर 2 रुपीज. माय नेक्स्ट पॉइंट अब ध्यान से समझना, कितने एक्स्ट्रा शेयर्स को हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है? अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर कंफ्यूज होते तो भी बोल देना, है ना बेटा? हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में, तो क्या हम एक्स्ट्रा शेयर्स को 2 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे या 4 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे? सिर्फ इसका जवाब दो. अच्छा बाकी बच्चे बताएं जरा. मैं
हुआ ना कंफ्यूज। अच्छा और बाकी बच्चे बताएं टू से। अच्छा किसी को फोर लगा बेटा, बस इतना बताओ, शर्माने का नहीं, ऐसा हो सकता है इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, किसी को फोर लगा। चलो अब मैं आपको बताता हूं बच्चों से कंफ्यूजन यहां पर होती क्यों है बेटा। उनको ये दिखता है कि सर हम एडजस्ट तो अलॉटमेंट में कर रहे हैं और अलॉटमेंट अगर चार रुपए का तो हमें चार रुपए से मल्टीप्लाई करना चाहिए। बहुत ही जेन्युइन रीजन होता है बच्चों का ऐसा सोचने का, बट पॉइंट क्या है आपको वो समझना है बेटा। ऑफकोर्स हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी ये कौन सी कॉल की ट्रीटमेंट चल रही है, बस इतना बताओ, कौन सी कॉल की ट्रीटमेंट, एप्लीकेशन कॉल की ट्रीटमेंट चल रही है बेटा। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि हम अलॉटमेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि हम हमेशा कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा एप्लीकेशन से। बात समझ में आई सब बच्चों को ये चीज। एवरीवन क्लियर? अरे 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 तुम, अबे तुम बहुत जल्दी आगे भाग जाते हैं, दो मिनट सब्र कर, नेक्स्ट अलॉटमेंट की तो एंट्री करने जा रहे हैं। ओके अब जरा ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे बेटा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो हमने सिर्फ एडजस्ट किया है। अब हमें ये भी तो देखना होगा कि नेक्स्ट कॉल में यानी अलॉटमेंट में हमें कितना वैल्यू मतलब मिलेगा। ठीक है अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो अलॉटमेंट की ड्यू कॉल की एंट्री करेंगे। तो बेटा अलॉटमेंट की ड्यू कॉल की एंट्री इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो हो गई जनरल एंट्री। ठीक है अब ध्यान से देखो, कंपनी नोटिफिकेशन भेजेगी अलॉटमेंट का। तो बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तीनों कॉल्स को हम कौन से शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, इश्यूड शेयर से। सो इश्यूड शेयर इज 50,000, सो 50,000 इंटू 4 2 लाख, यानी कंपनी बेटा अलॉटमेंट कॉल पे पब्लिक से कितने पैसे लेना चाहती है, 2 लाख रुपीस। लेकिन अब जरा ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट पे एक बात बताओ, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए ध्यान से सुनना, हमें अलॉटमेंट पे चाहिए 2 लाख रुपीस, क्या हमारे पास अलॉटमेंट का कोई अमाउंट ऑलरेडी आ चुका है, क्या हमने अलॉटमेंट पे इससे पहले कुछ अमाउंट एडजस्ट कर लिया है, कितना कितना। ओके सो सिंस हमें 2 लाख चाहिए थे, पब्लिक से हमें ऑलरेडी 30,000 रुपीज एडवांस पहले ही मिल चुका है एक्स्ट्रा अमाउंट जिसे हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हाउ मच, क्या सारे बच्चों को यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया, क्या चीज गौतम? अबे नहीं यार, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया कि क्यों 1,70,000 आया। ठीक है भाई सारे बच्चे यहां तक क्लियर है ना? चलो जी अब हम आते हैं बेटा केस नंबर 3, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हमें क्या करना है बेटा, कितने शेयर्स को रिफंड करेंगे हम। अच्छा तो टोटल एक्स्ट्रा शेयर्स हमारे पास 65 आए थे, सॉरी 15 आए थे, 15 में से अगर 5 रिजेक्ट कर रहे हैं तो कितने एडजस्ट करेंगे, कौन सी कॉल में एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में। ओके सो बहुत बढ़िया, अब पहले जर्नल एंट्रीज की भी करते हैं बेटा। सो केस नंबर 3 ऑफ कोर्स पहली जर्नल एंट्री एज इट इज नॉर्मल होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके सो हमें सब्सक्राइब शेयर यानी 65,000 शेयर पे 2 रुपीज यानी 1,30,000 रुपीज रिसीव हो जाएगा। देन बेटा नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम करेंगे, अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होती है हमारी बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन केस नंबर 3 में बेटा हम कुछ शेयर्स को एडजस्ट एंड कुछ शेयर्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। बेटा जब हम शेयर्स रिजेक्ट करते हैं तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, 2 बैंक अकाउंट एंड राइट, एंड जब हम शेयर्स कुछ शेयर्स को एडजस्ट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा क्रेडिट में। बहुत बढ़िया, मेरे हिसाब से जर्नल एंट्री तो सब बच्चों को समझ में आई है वाली। चलो अमाउंट की पोस्टिंग भी देख लेते हैं। सो हमें एप्लीकेशन पे बेटा मनी रिसीव हुआ था 65,000 शेयर्स पे 2 रुपीज,
शेयर कैपिटल में हमेशा हमेशा कौन से शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे? इशूड शेयर से। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, कितने रिजेक्ट कर रहे हैं एंड कितने एडजस्ट करेंगे? ओके, सिंस ये अभी एप्लीकेशन की ट्रीटमेंट चल रही है, तो एप्लीकेशन की वैल्यू या अलॉटमेंट की वैल्यू? एप्लीकेशन की वैल्यू, ठीक है। सो मतलब मनी वैल्यू जो पोस्ट होगी बेटा, 130,000 डेबिट में, 1,00,000 क्रेडिट में, 10,000 रुपीज हमने रिजेक्ट कर दिए एंड 20,000 रुपीज हमने एडजस्ट कर लिए। यहां तक सारे बच्चे क्लियर? ठीक। और बेटा अभी अभी अगेन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। सो अब जरा नेक्स्ट एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बेटा अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तीनों कॉल में कौन से शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे? इश्यूड शेयर। 50,000 इंटू 4 यानी पब्लिक से हमें चाहिए कितने थे? 2,00,000 रुपीज, ठीक है। और नेक्स्ट एंट्री, पब्लिक से जब हमें पैसा रिसीव होता है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस बारी आप लोग बताएंगे बेटा हमने कितना अमाउंट एडजस्ट किया अलॉटमेंट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितनी वैल्यू आनी चाहिए? क्या सारे बच्चे अब क्लियर हो गए इस कॉन्सेप्ट से? अबे देखो यार, एंट्री तो हमें मतलब जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते थे ये वाला, सो हमें एंट्री तो फाइनल कॉल तक पूरी करनी होती थी, लेकिन जो इसका ट्रीटमेंट होता ना रिजेक्ट वाले में, सिंस एप्लीकेशन के टाइम पे रिजेक्ट हो गया तो अलॉटमेंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी थी, इसलिए सिर्फ हमने यहीं तक समझा। एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट में, एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि फिर अलॉटमेंट में हमें कितना पैसा मिलेगा। और पार्शियली एडजस्ट और पार्शियली रिजेक्ट में भी हम कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमें ये चीज देखना होगा कि अलॉटमेंट में कितने तक हमें वैल्यू रिसीव होनी है। अभी अभी तो सिंस अभी हम बेसिक समझ रहे, कुछ क्वेश्चन के बाद ना एक क्वेश्चन वहां पर ऐसा भी आएगा जहां पर हमारे पास इतना ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट एडजस्ट करना होता है जो सिर्फ अलॉटमेंट में नहीं फर्स्ट कॉल तक में भी एडजस्ट होगा, तो उसे हम अभी नहीं समझेंगे। अगर अभी समझाया ना पूरा कॉन्सेप्ट बेकार हो जाएगा जितना समझे अभी। बस इतना बताओ, उसको हम अभी समझेंगे, थोड़े टाइम बाद समझेंगे। बस आप ये बताएं कि जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल समझाया सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया? बेटा ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब बच्चे क्लियर है ना?